आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। खुशी में गाऊं हा 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 हा, गाऊं खुशी में गाऊं हा 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 हा, गाऊं। दोस्तों, आज जिस महान कलाकार की मैं बात कर रही हूँ वो इंटरनेशनल फेम की जबरदस्त कथक डांसर थी और लोग उनको कहते थे कथक क्वीन, और वो थी सितारा देवी। सौतन के घर ना जइयो, बैरन के घर ना जइयो, परदेसी बालमा। सब लोग सितारा देवी को कथक क्वीन कहते थे, लेकिन वो सिर्फ कथक ही नहीं, हर तरह के डांस में माहिर थी, चाहे इंडियन हो या वेस्टर्न। सितारा देवी का असली नाम था धन लक्ष्मी, और इसकी वजह ये थी कि वो धनतेरस के दिन पैदा हुई थी। वो बहुत छोटी सी थी, सिर्फ 10 साल की, तो स्टेज पे डांस करना उन्होंने शुरू कर दिया था और आखिरी दम तक 90 साल की उम्र तक वो स्टेज पर परफॉर्मेंस देती रही और करती रही। आठ नवंबर 1920 में पैदा हुई थी सितारा देवी कलकत्ता में एक ब्राह्मण परिवार में। उनके पिता का नाम था सुखदेव महाराज और वो भी बहुत मशहूर क्लासिकल डांसर थे, और अपनी बेटी सितारा देवी के गुरु भी। सितारा देवी की माँ का नाम था मत्स्या कुमारी और नेपाल के राज घराने से उनका ताल्लुक था। सितारा देवी की 3 बहनें भी थीं और 2 भाई भी, और हम आपको बता दें कि मशहूर क्लासिकल कथक डांसर गोपी कृष्ण उनके नेफ्यू थे और उनके शागिर्द भी। सितारा देवी कहती थीं कि गोपी कृष्ण पे मुझे बहुत नाज है। सितारा देवी कहती थी कि हर कलाकार की एक तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें, उसकी कला को एडमायर करें, इसलिए स्टेज शोज करने के साथ साथ वो फिल्मों में भी काम करने लगे। सितारा देवी सिर्फ डांसर ही नहीं, सिंगर भी बहुत अच्छी थी, और काफ़ी अरसे तक वो फिल्मों में काम करती रही और अपने गाने भी वो खुद गाया करती थी। महबूब खान की एक बहुत मशहूर और सुपरहिट फिल्म थी जो आई थी 1957 में, और उस फिल्म का नाम था मदर इंडिया, और वो फिल्म सितारा देवी की आखिरी फिल्म थी, और उसमें उन्होंने लड़का बन के लड़के के गेटअप में एक डांस किया था निम्मी और सुनील दत्त के साथ। सितारा देवी ने 3 शादियां की थीं। उनके पहले पति का नाम था नज़ीर अहमद खान और उनके दूसरे पति बहुत मशहूर थे
मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर के आसिफ, जिन्होंने बनाई थी मुगले आज़म। सितारा देवी के तीसरे पति का नाम था प्रताप बारोट, उनका एक बेटा भी है और उसका नाम है रंजीत बारोट और वो आज के दौर के बहुत मशहूर म्यूजिशियन हैं। सितारा देवी मुझे बहुत ज़्यादा चाहती थी और कहती थी कि तबस्सुम, तुझे तो पता है ना कि मैंने बहुत सारी हीरोइंस को कथक सिखाया है और ख़ास तौर पे रेखा को, और रेखा ने बहुत जल्दी सीख लिया। अरे तबस्सुम, मैं तो तुझको भी कहती थी कि आ मुझसे सीख ले कथक, लेकिन नहीं, तू चली गई गुरु कृष्णा कुटी के पास और उनसे सीखा भरतनाट्यम और कथकली। और अब इसकी सज़ा मैं तुझे दूंगी, मैं जब भी तुझसे मिला करूंगी ना, तेरे गाल पे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया करूंगी। और वाकई जब भी मेरी उनसे मुलाकात होती थी, वो बड़े प्यार से मेरे गाल पे एक थप्पड़ लगा दी थी। 25 नवंबर सन 2014 में सितारा देवी ये दुनिया छोड़ के चली गई। और दोस्तों, मुझे ज़िंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि कला की नदी मेरे सामने बह रही थी और मैंने फ़ायदा नहीं उठाया। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।